I क्लास के लिए बच्चों ये आपका क्लास के लिए था थर्ड चैप्टर होगा यूनिट फर्स्ट पार्ट आप पहले भी जानते हैं फर्स्ट पार्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन स्टैटिक चार्ज और से लेकर के मैग्नेटिज्म तक और एसी तक आप इससे बिल्कुल अनून नहीं वैद्युत विभव भी वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है वैद्युत विभव भी वैद्युत क्षेत्र का फैक्टर है पोटेंशियल जनरली हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं क्षमता कि पोटेंशियल नहीं क्षमता नहीं पोटेंशियल माना पोटेंशियल से क्षमता से अलग अलग क्षमता को पावर नहीं कहते तो ये वैद्युत विभव जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा कि कोई अगर चार्ज रखा होता है तो उस चार्ज के चारों ओर एक एरिया प्रोड्यूस करता है जिसमें किसी अनदर चार्ज को लाने पर वो चार्ज एक एक्सटर्नल फोर्स को महसूस करता है ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को रखने पर उस पर एक बल लगता है उसका बल है उसी से पोटेंशियल निर्धारित होता है एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निर्धारित होती है सिमिलर पार्ट वैद्युत इसका रोल क्या है क्या निर्धारित करता है इसको एग्जाम्पल से जैसे किसी क्षण के इस सिरे को गर्म करें तभी समझ लीजिए कि इस सिरे को गर्म करने पर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा बराबर 50 डिग्री सेल्सियस और दूसरे सिरे का ताप थीटा 2 इज इक्वल टू 20 एक सिरे का ताप 50 है दूसरे सेल्सियस है इससे ये क्लियर होता है इस सिरे का ताप ज्यादा है इस सिरे का ताप कम है तो ऊष्मा का प्रवाह गर्म सिरे से ठंडे सिरे में होता है यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज हाई टेंपरेचर टू लो हम ऐसे कहते एक गर्म क्षण है और बताइए आप निश्चित नहीं कर सकते हो कि किधर से किधर तब आपका प्रश्न यही होना चाहिए कि हम नहीं निर्धारित कर सकते कि ताप और ऊष्मा का प्रवाह किधर से होगा इसे ना करो इसकी तुलना में करो कैसे करो ये करो ठीक वैसे अगर एक समतल है हर्ष है किसी भी रोलिंग बॉडी को छोड़ दिया एक बॉल छोड़ दी जाती है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दिस बॉल विदाउट एक्सटर्नल फोर्स किसी समतल पर अगर किसी भी गोल पिंड को छोड़ दिया जाए तो उसका प्रवाह किधर से किधर होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि ढलान किधर है ऊंचे तल से नीचे तल ऊंचे तल से अगर यहां रखी है तो इधर नहीं है बिना ऐसे बहुत सारे तो वैद्युत
चालक में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को दर्शाएंगे। किसी समतल का ढलान को राश है जो कि किसी पिंड के लुढ़कने की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र का वो गुण थोड़ा फोकस कर रहे आपको जोड़ने के लिए, वैद्युत क्षेत्र का एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा कारण जो कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेशित कण की दिशा को निर्धारित करता है। एग्जाम्पल जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है और दो बिंदु हैं ए और बी, यहां पर कोई चालक रेखा काट के लिए वैद्युत क्षेत्र में निम्न बताया, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश कण रखा होगा तो उस पर बल लगेगा। इस आवेश कण की दिशा ए से बी की ओर होगी, ए से बी की ओर होगी या ए से दूर होगी, यानी कि हमें कह लें जैसे वहां दो बिंदु लिए थे, आवेश का प्रवाह ठीक इधर से इधर होगा या इधर से इधर होगा, इनमें रखने पर आवेश या इसके बीच में कोई आवेश रखेंगे, ये जो राश निर्धारित करेगी वो राश विभव कहलाती है। जैसे वहां पे कहा ऊंचे तल से निचले तल की ओर वैद्युत तो प्रवाहित होता है, ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है, द्रव उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। उसी तरह से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की कल्पना करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कि इसे देखेंगे वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र का एक ऐसा गुण है, फैक्टर है या कारक है जो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश की आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अगर दो बिंदुओं के बीच जैसे अगर दो क्षणों के ताप 50 और 50 हो जाए, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सिमिलर है, हम कहेंगे उस प्रदर्श के धर्म प्रवाहित होती है तो आप कहेंगे नहीं कह सकते, यानी कि इसमें उस मत नहीं बिल्कुल समतल फर्श है इस पर कोई बात रखी है ये नहीं लुढ़केगी जब से कोई उस मत, लेकिन ढलान की कोई बॉल रखी है तो जैसे आप उसको रखेंगे तो वैसे ही जरूर मैंने सारी चीजें बताई। अब डेफिनेशन क्या आते हैं, ये तो चैप्टर था वैद्युत पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आपके समझने के लिए रूट्स आप बनाएंगे। हम पहले विभवांतर विभवांतर जैसे आपका तापांतर है टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां पर क्या है ढलान है, ये वैद्युत क्षेत्र है इसमें हमने दो बिंदु लिए, डेफिनेशन इनकी क्या होगी, किसी एकांत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है या कार्य प्राप्त होता है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ट्रांसफर करने में जो कार्य करना पड़ता है वो इन दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर है। कार्य करना पड़ता है ये दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर, यानी कि माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित ए व बी के बीच किसी अल्प आवेश को, अल्प आवेश जिसको हमने क्या कहा परीक्षण आदेश, पहले भी पढ़ चुके हैं परीक्षण आदेश का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका परिमाण को स्थानांतरित करने पर, स्थानांतरित करने पर कृत कार्य डब्ल्यू हो तो ए वापी के बीच विभवांतर को कहेंगे जूल पर बीमा एम एल स्क्वायर की पावर माइनस टू बाई के, एम एल स्क्वायर की पावर माइनस थ्री, ये अब आइए देखिए अगर हम विभव की बात करें, विभव अब विभव होगा किसी बिंदु का, समझ लो अंतर दोनों से होते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में क्या प्राप्त है, किसी बिंदु का वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। अंतर देखिए वहां पर इनके बीच स्थानांतरित कर, यहां पर अगर यही बिंदु अनंत पे चला जाए तो बी से तीन तक लाने में करना पड़ता था, वो अनंत से इस बिंदु तक लाने में करना पड़ता, बिल्कुल सिमिलर चीज, यानी कि अगर बी पॉइंट टेंस टू इनफिनिटी तो यही क्या हो जाएगा, इस बिंदु का बिंदु। सिमिलरली अगर एकांक आवेश की बात करता है क्यू जीरो आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हो एकांक आवेश के लिए, बिल्कुल सर ये पहले भी टेंथ क्लास में भी पढ़ा, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। अब अगर इसकी बात करें दो मेन फोकस रहेगा किसी बिंदु पर भी हो एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में अगर करना पड़ता है तो कार्य पॉजिटिव और कार्य प्राप्त होता है, करना क्या पड़ेगा जब अगर अनंत पे चार्ज रखा है इस रिपल्सिव फोर्स लगता है तो उसके विरुद्ध लाने की कार्य करना पड़ेगा, और अगर लगने वाले के कारण स्वतः आकर्षित होता है तो कार्य प्राप्त हो, दो बड़ी बात बोलेंगे दो वर्ड मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, कार्य
प्राप्त होना और कार्य करना, इस बात को समझ लीजिए। जैसे ही चार्ज रखा है इसके कारण यहां प्रदूषण नहीं होगा, इससे पहले समझ लीजिए। अगर यहां पर परीक्षण आगे से रखते हैं क्यू के कारण पी पर बैठो से तीव्रता इतनी है और इस पर कोई परीक्षण आगे से रखा हो तो उस पर बल किसी भी समझ लगे। अगर इस पोजीशन में बल नीचे क्यों लग रहा है, अगर ऊपर लाएंगे तो हमें करना पड़ेगा। क्लियर? क्या यूं समझ लीजिए, बॉडी यहां पर है तो बल नीचे लग रहा है, अगर हम इसको यहां से हटाए तो स्वतः आएगा, इसको करना नहीं पड़ेगा। ये प्राप्त कर डन बाय द बॉडी, डन ऑन द बॉडी। वस्तु द्वारा कार्य किया जाए तो वस्तु पर कार्य किया जाए, दो बातें बिल्कुल साफ दिमाग में बैठा है। दिस इज द इनिशियल पार्ट, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत सॉरी वैद्युत विभव और वैद्युत विभव। अब इसी क्रम में आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसका ज्योमेट्रिकली थोड़ा पार्ट समझ लीजिए। क्या कह रहा है, जैसे हम कोई समझिएगा इसको, कोई बिंदु आवेश क्यू ली और हम जानते हैं कोई अगर बिंदु आवेश लेंगे या थोड़ा सा इधर से चुकल कोई बिंदु आवेश लेंगे तो हम जानते हैं इसके चारों ओर थोड़ा सा ज्यादा पार्टी ये बैटिक क्षेत्र है, ये बैटिक कर लेते हैं हम, आप पढ़ते हैं इस फोटा हालांकि इसका रेटर होगा कोई बिंदु आदेश लिया और इस बिंदु आदेश के कारण सभी संभव दिशाओं में बैटिक कर लेते हैं। इनके भीतर इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु ए और बी, ये तो क्या है बिंदु आवेश के कारण दो बिंदुओं के बीच में, थोड़ा सा और अगर क्लियर करेंगे तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में और निकल सकते के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अब क्लियर छूटा होता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु बीच में, भाषा नहीं लिखेंगे हम, क्या करेंगे अब आपका दिया केवल एक बिंदु आवेश
भाषा में क्या लिखोगे, माना एक जिम्मेवार स्क्रू है जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, बोलो, R1 और R2 दूरी पर स्थित दो बिंदु A और B के बीच विभवांतर की गणना, किसकी गणना करनी, दो बिंदु स्थित है जिसकी A की दूरी R1, B की दूरी है R2। आपको समझना है हमको क्या कहते हैं कि दो बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए परिभाषा से एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में किए गए कार्य को क्या करना है, माना किसी बिंदु आवेश +2 के कारण उत्पन्न क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं स्थित दो बिंदुओं A व B जिनकी +2 से दूरियां R1 व R2 है के बीच विभवांतर की गणना, ये तो कुछ समझ। इसके लिए ये कॉमन लैंग्वेज सारे आइटम है, हेडिंग के लिए आता बिंदु आवेश के लिए मैंने क्या मान लिया +2 दो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B मान लिया जिनकी +2 से दूरियां कितनी है, कितनी दूरियां है R1 बार आप R A और R B मान सकते हो जो अच्छा लगे वहां। इसके लिए विभवांतर की गणना करें, इसके लिए माना एक परीक्षण आदेश, इसके लिए एक परीक्षण आदेश Q0 क्या लिया, Q0 परीक्षण आदेश का नीचा कैसा होता है, चार आवेश पॉजिटिव और परिमाण कम से कम, तथा A व B के मध्य अल्प दूरी पर दो अन्य बिंदु P व Q लिए जिनके बीच दूरी dS, इनके बीच दूरी क्या है dS, और जबकि Q की दूरी कितनी है dx है, तथा Q की +Q से दूरी कितनी है s। इसके लिए एक परीक्षण आदेश Q0 लिया, तथा A B के मध्य दो अन्य बिंदु P और Q लिए जिनके बीच दूरी क्या है dx है, जबकि Q आवेश से दूरी कितनी है s।
एक परीक्षा में शिवलिंग को लिया तथा क्यू जीरो कहां स्थित है, क्यू पर स्थित है। थोड़ी भाषा ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या लिया, ए और बी के बीच अल्प दूरी डीएस पर दो बिंदु पी और क्यू लिए जिनके बीच की दूरी डीएस और जबकि क्यू की आवेश दूरी कितनी एक्स है और मान लिया ये परीक्षण आवेश कहां रखा है क्यू। इस स्थिति में इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, अतः क्यू जीरो पर वैद्युत बल कितना लगेगा, वैद्युत बल लगेगा एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यू क्यू जीरो बाई एक्स लगा बल, इस बल के विरुद्ध क्यू जीरो को क्यू से पी तक लाने में कृत अल्प कार्य, जब बल इतना लगा अब इसको इस बल के विरुद्ध यहां से यहां लाए तो अल्प कार्य कितना होगा, वो अल्प कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डीएक्स यानी एफ डीएक्स कॉस 180 बराबर आएगा एफ डीएक्स माइनस वन वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि हमारा टारगेट है बी से ए तक लाना और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, इनके मध्य अल्प दूरी पर दो बिंदु लिए जिनके बीच की दूरी डी एक्स जबकि क्यू की दूरी कितनी एक्स और मान लिया परीक्षण आदेश कहां पर रखा है, सॉरी क्यू पर रखा है। जैसे ही क्यू पर रखेंगे इस परीक्षण आदेश एक बाह्य बल का अनुभव करेगा, ये है बाह्य बल, बड़ी चीज नहीं है। अब इंटीग्रेशन के कांसेप्ट है, हमको यहां से यहां तक लाना था और हमने यहां से यहां तक का कार्य निकाल लिया, अतः प्लस क्यू जीरो को आर टू से आर वन तक बी से ए लाने में कृत कार्य होगा डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू और इसको इंडिकेट करेंगे कहां से आर वन से आगे आर वन से माइनस वन पान फोर पर चले जीरो के क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स आर वन से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा माइनस क्यू क्यू जीरो बाई फोर पाई एक्स चले जीरो के और ये आएगा एक्स की पावर माइनस टू। एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज होगा एक्स की पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन बाई तभी बराबर हो जाएगा माइनस क्यू की जीरो बाई फोर बाई एप्सिलॉन जीरो के ये लिमिट कहलाएगी एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन आर वन से
ये वैल्यू आ गई माइनस क्यू की दूर बाई फोर बाई अच्छा के माइनस वन बाई एक्स माइनस बाहर कर दीजिए तो आ गया क्यू की दूर बाई फोर बाई अच्छा के वन बाई आर टू माइनस वन बाई ये आता वीए भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू जीरो से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्यू अपॉन फोर पाई एक्स के वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर ये निम्न सीमा है यहां आर वन बड़ा है अब दूसरा आर्टिकल बिंदु आदेश के कारण एक बात और लिख कर देख लीजिए मैंने इस आर्टिकल लिए गया क्या किया एक बिंदु आदेश प्लस टू है जिससे जिसके कारण उत्पन्न वैद्य के भीतर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जिनकी क्यू से दूरियां आर वन और आर टू है के बीच विभवांतर की गणना करनी है इसके लिए क्या किया इसके बाद अल्प दूरी पर स्थित दो बिंदु लिए जिनके बीच की दूरी डीएस जबकि क्यू की जबकि प्लस टू कैपिटल क्यू की दिए गए आदेश और मान लिया एक परिसर आवेश कारण क्या है जैसे क्यू जीरो कटेंगे वैसे इस पर एक बल लगने लगेगा इस बल की वैल्यू होगी इस बल की वैल्यू होगी वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू बटे एक्स इस बल के विरुद्ध डीएस दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर बी डब्ल्यू बराबर निकला एफ डॉट डीएस यानी कि एफ डीएस कॉस हो जाएगी के बीच में बलिदान बाकी तो इसको इंडिकेट कर दिया इसका प्रसार कर दिया कहां से अंदर हमको यहां से हाथ लगाना है यानी कि हम यहां बैठे हैं बी पर थोड़ी कितनी लोअर लिमिट दी थी यहां पर कहां तक ले जाना है इंडिकेट कर दिया इस फॉर्मूले को सिमिलर आर्टिकल दूसरा खुद करेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव ध्यान दीजिए इस आर्टिकल के लिए हमने हम केवल फिगर चेंज हमने मान लिया कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र है इस पर स्थित किसी बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना है जिसकी दूरी कितनी स्मॉल कंपनी क्यों लिखेगा क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है कोई बिंदु ए स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिखता मैं तो विभव इसके लिए परिभाषा मान लिया है इस बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में करना यानी कि इस आर्टिकल से तुलना करिए तो वहां पर बी से ए तक लाने में कार्य की गणना करनी थी हम यहां पर अनंत से इस बिंदु तक लाने में ये कार्य की गणना अब ये बिंदु क्या हो गया अनंत और इसको क्या कहते हैं बी यानी कि बी की दूरी कितनी थी आर वन थी आर वन इनफाइनाइट हो गया और आर टू कितना हो गया आर वन तुलना देखिए बी कहां पे आ गया अनंत पे ए कहां पहुंच गया
प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे।